रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल डगर न कर अगर मगर। तो यार ये आपका सेकंड पार्ट है जो आप ये वाला ब्लॉग देख रहे हो। तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ओके, आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हमने यहाँ पे अभी स्टे वगैरह भी किया था तो हम सो रहे थे यार। अभी मैं सो के बाहर ही आया जस्ट, और जो बाहर के नज़ारे हो रहे ना मैं क्या ही बताऊँ। और अभी उठाया मैं, बिल्कुल अभी उठा, सिर्फ 3 या 4 घंटे सोए हम। उसके अलावा तो मस्ती वाली रात में। तो अभी उठा तो मैं थोड़ा एनर्जेटिक भी नहीं हूँ। मैंने मुँह हाथ कुछ नहीं धुलाया यार, ऐसे ही मैं बाहर आया। और मैं आपको सामने का व्यू चेक कराता हूँ। ये देखो यार, सुबह का व्यू है पूरा, क्या ही प्यारा लग रहा है। मतलब ये जो पूरा समय है ना सामने का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गांव में नहीं होते। नीचे है ये प्लेस और छोटे छोटे एक एक करके घर है, और सामने तो वो पूरा मसूरी का जो एरिया है ना, मतलब जहाँ से मसूरी ऊपर चढ़ते हैं वो वाला एरिया है वो पूरा का पूरा। और बाकी आदि भाई बाहर आए थे तो आदि भाई ने मेरे को बताया, और तो व्यू देखने आ रहा मैं भी। बाकी मेरे को भी नींद आ रही थी, तो मैं बस इसके लिए आए थे व्यू के लिए, तो मैं वो तो दिखाना बनता था। बाकी हमने यहाँ पे मस्ती वस्ती करी है रात में, इंजॉय वगैरह करा। खाना भी बहुत अच्छा था यार जो हमने यहाँ पे खाया, और रूम भी सस्ते ही मिल गया हमें। मतलब 1200 में 2 रूम, मतलब एक रूम के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट में डिवाइड है, उधर भी रूम है इधर भी रूम है, ऐसा सीन है। अभी तो मैं दोबारा से सोने जाऊंगा, ये नज़ारे चेक कराने आया था मैं आपको। और बाकी यार रात को ना हमें एक ही चीज़ सुनने को मिली, यहाँ पे इन्होंने छोटा वाटरफॉल बना रखा है, वो वाला यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से ये वाला जो वाटरफॉल है ना, इसकी आवाज़ हमने सुनने को मिली। और बहुत प्यारी थी यार सुनने में ना, रात में जब पड़ रही थी ना, मतलब बहुत फ्रेश कर दी थी मूड को। बाकी अभी सुबह सुबह तो उठा, मतलब जो ये नज़ारा है ना यार, इसके मैं क्या ही कहूँ, एकदम ही पीस वाला नज़ारा है सामने का। और जो इसकी यहाँ की वाटरफॉल की वॉइस आ रही है तो नेक्स्ट लेवल है। बाकी अभी मैं सोने जाता हूँ, फिर जब उठूँगा तब मिलते हैं आपसे। सो यार अभी हमने चेकआउट वगैरह भी कर लिया, और सामने का व्यू ये है। अब जो मैंने सुबह का दिखाया था वो तो अल्टीमेट था, ये भी अल्टीमेट है यार। देखो पूरे फॉग, और सामने ना सुबह मैंने दिखाए थे घर वगैरह थे, बट अब तो दिख ही नहीं रहे हैं। बाकी हमने चेकआउट कर लिया तो ऊपर जाते हैं, बिल पे करते हैं, उसके बाद यहाँ पर निकलते हैं। सो फाइनली हम निकल चुके हैं स्टे वगैरह करके रात को, मगर अब बहुत मज़ा आया है यार। और अभी का तो सीन ही है कि यहाँ से जाएंगे हम घर, बट जो रास्ते में नज़ारे दिखते हैं ना सुबह के मॉर्निंग के, वो दिखाऊंगा मैं रास्ते में, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11 PM होने वाला होंगे या 12 PM होने वाला होंगे, ऐसे कुछ टाइम हो रहा है, करेक्ट मेरे को भी नहीं पता। बट हाँ ये है कि हमें चेकआउट करना था तो उस वजह से मेरे को याद है। बाकी क्या व्यू था यार सामने, मतलब जैसे ही रूम खोलो और सामने इतने प्यारा व्यू। रात का व्लॉग मैं बनाना भूल गया, बट जो रात की लोकेशन थी ना वो भी बहुत प्यारी लग रही थी यार। लाइट ऐसे चल रही थी ना, मैं दिखाऊंगा, मैंने एक क्लिप ले ली है तो वो मैं डालूंगा इस वाले व्लॉग में, तो भी देख ली होगी शायद आपने अभी तक। तो खैर हम जिस जगह थे ना वो जगह इधर की साइड है, जिधर जॉर्ज आपका जॉर्ज आता है ना, जॉर्ज और क्लाउड एंड और ये भद्राज टेम्पल है जो हमारा, उधर की साइड जब जाते हैं ना तो उधर की साइड ही पड़ता है वो RC स्टे होम ऐसे करके कुछ था, हो तो वहाँ पे रुके थे। मतलब बहुत बढ़िया सर्विस थी यार बंदों की, अच्छे भी थे मतलब नेचर वाइज भी। अब यार मैं तो सोच रहा था कि आराम से जाएंगे नीचे, बट यहाँ तो बारिश हो रही है यार हल्की फुल्की। अब एक ही काम बचा है अपने पे, अब रेनकोट पहनना पड़ेगा और जो कोपरे है वो डालना पड़ेगा डिक्की में। अभी तो खैर हल्की हल्की हो रही है बस, ज़्यादा ना ऑफ सो, हल्की बिल्कुल बूंदाबांदी बोलते हैं जिसे वो है। बरसात में बस यही दिक्कत है कि बस जहाँ बारिश रुके तभी निकलो, या फिर क्योंकि तभी बनता है ब्लॉग, वैसे तो राइड करके क्या ही फ़ायदा, या कहीं भी प्लेस पे जाके क्या ही फ़ायदा, घूमना हो जाता है ये अलग बात है। मेन अभी यही हो जाता है यार, अब व्लॉग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है व्लॉग बनाएंगे भी। अब तो भैया जी सीधा खड़ जाएंगे, मैं भी तेल बचा रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितना बच सकता है 5-10 रुपये का। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल डगर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, बारिश हो रही थी बट यहाँ तो एकदम साफ हो गया मौसम, चिट टेंट क्लीन वाला सीन है यहाँ तो। नीचे अपना पूरा ध्यान दिन दिखता है बट फॉग की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ऊपर तो पड़ी ही नहीं यार, जहाँ पे हमने स्टे करा था वहाँ तो पड़ी ही नहीं बारिश।
और क्या नज़ारे हैं यार सुबह सुबह के भी। पहाड़ों पे यही चीज़ है, नज़ारे देखने को मिलते हैं कभी भी आ जाओ आप, दिन में सुबह शाम कभी भी नज़ारे मिलेंगे एक से एक। सो यार यहाँ लग चुका है ट्रैफिक, और ट्रैफिक में हूँ मैं भी। बाकी यहाँ से निकलेंगे अब सीधा, मैं तो सीधा घर निकलूँगा यार। पता है 2 से 3 घंटे की नींद ली इसलिए बहुत नींद जैसा हो रहा है यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी गाड़ी भी मेरे से नहीं चलाई जा रही इसलिए मैं तेज़ नहीं चला रहा हूँ, आराम आराम से चला रहा हूँ। तो नींद नींद जैसा हो रहा है, मतलब उतना भी नहीं ओवर भी नहीं हो रहा है, हाँ मतलब एक लिमिट में ना, तो वैसा हो रहा है। तो अभी बस थोड़ा और थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो फिर मज़े मज़े अपने, और जल्दी से जल्दी अपन घर पहुँच जाएँ। अब थोड़ा मैं खड़ा हुआ ना तो गर्मी लग रही है, तो उसकी वजह से इतना नींद नींद नहीं आ रही, बट चलते चलते क्या हवा लग रही थी और ऊपर से नींद आ रही थी ना, नेक्स्ट लेवल सीन था वो। बट जो यार रात का व्यू और जो वहाँ से व्यू दिख रहा था ना, उसके मैं जितना बोल रहा उतना कम है, मैं ना बहुत बार बोल दूँगी चीज़ मगर मेरे लिए वो चीज़ है यार। मतलब सामने से आप लोग देखते हो तो अलग ही बात थी। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी वो देखना, मतलब कितनी जो उसका मैंने सॉन्ग डाला है ना, वो कितना एक्सप्रेस कर रहा है उस लोकेशन को। बाकी अपने दोनों में एक ही डंडी है तो यहाँ से फ्यूल अप करवाते हैं। मैं पहुँचने वाला हूँ घर और मैं ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो जो जो मेरे से वो पाया यार वो मैंने आपको दिखाया। दिस ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खा।